द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की लिखी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी में नायिका द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें तत्कालीन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेत की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमे नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कॉर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर आठवें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को, अमावस्या को तो आपको होलीडे अवश्य ही रहता है, यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो राजधानी कलकत्ता को तो देख लेना अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वे बिचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को
बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वे चूतक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद उद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खम काट दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जस्ते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती है। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपू में कलंकी कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शाशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तने होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोता विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह शशे श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वे सब इन्हीं विद्या विशारद वीरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय
कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें अनेक रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों को सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि आप प्लेग महाराज, ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो भाई वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझना हो तो वहां से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले आए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग दो दिन का काम दो घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।